दिल्ली के सैकड़ों पूर्व होमगार्ड दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। जो पूर्व होमगार्ड है वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो पूर्व होमगार्ड है वो सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरीके से सड़क पर बैठकर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथ में बाकायदा बैनर पोस्टर है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं यही जानने के लिए इन लोगों से बातचीत करेंगे। अपना नाम बताइए सर, और क्या आपकी मांग है ये बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र है और दो मैं दिल्ली एक्स होमगार्ड से हूँ। मैंने 2005 से लेकर 2010 तक नौकरी करी है। हम माननीय केजरीवाल सर से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और नर्म निवेदन हमारी यही प्रार्थना है कि जिस तरह से आप नई भर्ती करते हैं, नई भर्ती के लिए पैसा बाउंड होता है, नए ट्रेनर आते हैं, उनको समय लगता है ट्रेन करने के लिए 3 महीने 4 महीने के लिए, इसी तरह से हम भी चाहते हैं कि जैसे महकमा भर्ती करता है ऐसी एक्स होमगार्ड का रिन्यूअल हो, 60 साल तक नौकरी दी जाए, हमें बेरोजगार के लिए भटकना पड़े 5 साल नौकरी 6 साल को नौकरी करने के लिए, हमारा जो युवा यंग है यंगस्टर है वो किसी लायक नौकरी के लिए नहीं रहता। आपको कितने दिन हो गए यहाँ बैठे हुए और क्या सरकार से कोई बातचीत हुई, किसी ने आपसे कोई बातचीत करने की कोशिश की? अभी सरकार की तरफ से हमारे पास कोई भी अफसर नहीं आया, ना सीएम साहब के ऑफिस से आया है। हम अपनी तरफ से ही कोशिश कर रहे हैं कि मंत्रियों से मिला जाए। जहाँ तक हमारी कोशिश है हम धरने पर बैठे हुए हैं और अगर सीएम साहब के ऑफिस से कोई नहीं आता तो हमारा जो धरना है, धरना भी नहीं कह सकते हम अपने हक के लिए और रोज़गार के लिए बैठे हैं। जब माननीय केजरीवाल जी अपनी दिल्ली के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनका हम स्वागत भी करते हैं और उनके कामों के अच्छे वादों के भी पूरा करने की जाते हैं, तो इसी तरह से हम केजरीवाल जी से माननीय मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं, नर्म निवेदन हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि जो लोग हम यंगस्टर दिल्ली होमगार्ड ने हमारा जो यंगस्टर की जो हमारा ग्रोथ थी, काम करने की जो रोज़गार थी वो हमारी होमगार्ड ने छीन ली है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राम भरोसे नाम है सर मेरा। राम भरोसे जी, कितनी साल नौकरी की होमगार्ड की? 5 साल नौकरी कर ली। 5 साल तो क्या, कितने दिन हो गए नौकरी गए हुए? 7-8 साल हो गए नौकरी को छोड़े हुए, 12 में निकले थे और हम यही प्रार्थना करते हैं केजरीवाल जी से कि हमें दोबारा वापस लिया जाए। तो बिना नौकरी कैसे सब चल रहा है अभी? तो सर ऐसे ही अपने मजदूरी करते हैं, कभी बेलदारी करने जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। चुनाव में वायदा भी किया था आम आदमी पार्टी ने आपसे, याद है वो वायदा? चुनाव के टाइम में वायदा किया था उन्होंने कि हम दोबारा इनको वापस ले लेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर जो ये तमाम पूर्व होमगार्ड है पिछले 10 दिन से यहाँ पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग यही है कि इनको नौकरी पर बहाल किया जाए। बहरहाल जो विधानसभा चुनाव थे, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने तमाम ऐसे लोगों से वादा किया था कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियाँ की गई हैं उनको नियमित किया जाएगा। तो ऐसे में दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व होमगार्ड दिल्ली सरकार को उनका पुराना वादा याद दिलाते हुए, कैमरामैन अनिल के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।